हम लोग यहाँ पर यहाँ से जाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अंधेरा तक नहीं रह सकते। अगर यहाँ पर हम लोगों को रात हो गया तो यहाँ पर भूत निकलने के चांसेस कुछ ज़्यादा रहते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों अभी हम लोग आए हैं अपने गांव के निचले साइड में घूमने के लिए, और दोस्तों साथ में हैं जीवन भगत जी। और अभी हम लोग शाम का वक्त है तो अभी हम लोग इस साइड में घूमने के लिए आए हुए हैं। और दोपहर का वक्त यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी और अभी यहाँ का मौसम काफ़ी खुला हुआ है तो अभी हम लोग घूमने के लिए आए हुए हैं। और दोस्तों अभी देखिए, हम लोग इधर खेत साइड में इधर घूमने के लिए आए हुए हैं और भी हम लोग जा रहे हैं उस साइड में घूमने के लिए पूल साइड में। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग उस साइड में घूमने के लिए चलते हैं। सो गाइस, अभी देख पा रहे हैं हम इधर का खेत जो काफ़ी हरा हरा दिखाई दे रहा है और ये धान अभी तक पका नहीं है। और अभी हम लोग जा रहे हैं इस साइड में और अभी हम लोग पुल के पास पहुंचने वाले हैं और जीवन हमारे पीछे छूट गए हैं। चल जीवना, जीवन अभी आ रहे हैं। और दोस्तों देखिए इधर का नज़ारा कैसा है, बेहतरीन शानदार नज़र आ रहा है क्योंकि इधर पूरा हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रहा है और यहाँ पर धान की अच्छा से अच्छा खेती हुई है। और देखिए दोस्तों, ये वाला पुल जो बारिश के दिनों में काफ़ी ख़राब हुआ करता था, लेकिन अभी बारिश थोड़ा कम है तो रोड यहाँ का रोड थोड़ा चलने फिरने के लायक है। और यहाँ पर बना है पंचायत की तरफ से एक ठो पुल बनाया गया है। सो गाइस, अभी हम लोग गांव के पुल की साइड में अभी आ चुके हैं और मेरे पीछे देख पा रहे होंगे जीवन भगत जी जो अपने इंस्टाग्राम के लिए अच्छा अच्छा से फ़ोटो निकाल रहे हैं। और जो अपने इंस्टाग्राम में फ़ोटो डालने के लिए एक से एक अलग अलग प्रकार की यहाँ पर जो फ़ोटो शूट करता है जो सेल्फी स्टिक से। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अधिकतर इस पुल में शाम के वक्त यहाँ पर टाइम व्यतीत करने के लिए हम लोग यहाँ पर अधिकतर आते हैं। हर रोज़ तो नहीं, लेकिन कभी कभी यहाँ पर आते हैं और कुछ टाइम यहाँ पर व्यतीत करते हैं। और दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो मेरे पीछे में है, ये रास्ता जाता है बांधापारा की रास्ता की ओर। जो हमारे गाँव के बांधापारा है वो ये रास्ता निकालता है और उसके जो राइट साइड में फिर जाएंगे उधर का रास्ता जो नदी पार करने के बाद, जो नदी पार करने के बाद उधर का रास्ता जो गमे किला निकालता है। और देखिए दोस्तों, जीवन भगत अपना जो फोटो है अलग अलग एंगल से निकाल रहे हैं और इधर का नज़ारा कुछ शानदार नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो पुल के अगल बगल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर केवल बहुत से खेत हैं, जो खेत की वजह से यहाँ पर हरियाली बहुत ज़्यादा है और धान अभी पका नहीं है तो हरापन अभी भी है। और गाइस देखिए, ये वाला रास्ता जाता है नदी की ओर और इधर का जो है इधर एक छोटा डबरी है और इस रास्ते से चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे की ओर जाएंगे। इधर एक ठो मैदान टाइप का है तो उधर भी हम लोग थोड़ा सा घूम के आते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक ठो डबरी है जो पिछले साल से पहले आगे करीबन एक डेढ़ साल पहले इसको खुदाया गया था, लेकिन यहाँ पर ना ही मछली पालन होता है और ना ही इसमें नहाने के लिए आते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए बगरंडा का पौधा इसमें पूरा डबरी के अंदर में काफ़ी ज़्यादा भरा पड़ा हुआ है। और जीवन छूट गए पीछे की ओर और देख पा रहे होंगे जीवन अपना मस्त मस्त फ़ोटो निकाल रहे हैं। और दोस्तों इधर देखिए जो समतल भूमि नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर ठंड के महीने में, जो अभी ठंड महीना आने वाला है, तो यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बरगद पेड़ के पास। आप देख पा रहे हैं ये बरगद का पेड़, बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। और दोस्तों यहाँ पर अभी हम लोग आए हैं तो यहाँ पर काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पर चल रही हैं और थोड़ा ठंड भी लग रहा है। और जीवन देखिए पीछे में है जो अभी भी फ़ोटो शूट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो अच्छा अच्छा अभी मस्त ठंडी हवा चल रही है तो यहाँ पर हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दोस्तों देखिए, ये बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ है जो हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से और कितने सालों पुराना ये पौधा है, पौधा बोलता हूँ, ये पेड़ है, बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ है। और एक और बरगद का पेड़ है उधर और वो भी काफ़ी पुराना पेड़ है। और दोस्तों देखिए ये वाला मैदान, यहाँ पर हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं। और अभी जो बारिश का सीज़न था
तो अभी हम लोग यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए नहीं आ रहे थे, तो देखिए यहाँ पर जो अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार के घास यहाँ पर उग गए हैं। और इसके बाद कुछ दिनों के बाद हम लोग यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए आएंगे, तो ये थोड़ा सा मैदान को हम लोग थोड़ा सा क्लीन करेंगे। देखिए काफ़ी ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है और जीवन अपने फ़ोटोशूट में मस्त व्यस्त हैं। और सो गाइस अभी जो अंधेरा होने ही वाला है और यहाँ पर जो मैदान सपाट मैदान है यहाँ पर और लोग भी घूमने के लिए आए हैं, और इधर और लोग भी हमारे दोस्त लोग भी इधर घूमने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पर शाम को बहुत से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और दोस्तों आज थोड़ा सा ठंडी हवाएं कुछ ज़्यादा ही हो रही है, और देखिए वहाँ पर जो विष्णु भी हैं जो हाथ फैलाए हुए हैं, और यहाँ पर वो लोग भी यहीं आसपास कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। और जो यहाँ पर जो शाम को घूमने के लिए काफ़ी अच्छा जगह है, और इनको देखो कैमरामैन जो अपना गजब का इंस्टाग्राम के लिए ये अपना फ़ोटो शूट कर रहे हैं। और अंधेरा होने में थोड़ा सा वक्त बाकी है, जो अभी सूर्यास्त भी हो चुका है, तो सूर्यास्त हो चुका है लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर करीबन और आधा घंटा यहाँ पर टहलेंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हम लोग करेंगे। और ठंड के महीने में एक्सरसाइज करना चाहिए, ठंड के महीने में नहीं एक्सरसाइज तो हर महीने करना चाहिए, लेकिन जो हम लोग अधिकतर ठंड के महीने में ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, सुबह भी हम लोग आते हैं दौड़ने के लिए, और इस मैदान में थोड़ा सा सुबह टाइम हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। और जीवन यहाँ पर देखिए बरगद का जो पेड़ है, और यहाँ पर अंधेरा होने ही वाला है, और इधर का नज़ारा देखिए थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा थोड़ा सा नज़ारा आ रहा है। और फ़िलहाल यहाँ पर काफ़ी वक्त गुजार चुके हैं, और कल आओगे? सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर यहाँ से जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अंधेरा तक नहीं रह सकते, अगर यहाँ पर हम लोगों को रात हो गया तो यहाँ पर भूत निकलने के चांसेस कुछ ज़्यादा रहते हैं। और जो बोलते हैं कि इस बरगद में जो भूत का निवास रहता है बोलते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी देखा नहीं है, लेकिन नहीं होना चाहिए आज के युग में, लेकिन लोग बोलते हैं तो हम लोग थोड़ा सा मान भी लेते हैं। और दोस्तों अभी हम लोग घर जाने वाले हैं, तो आज का व्लॉग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।